भारत एक विशाल देश, उत्साही पर अतियों का देश, भव्य प्राकृतिक दृश्य के साथ साथ उमड़ता जन सैलाब, जहां विस्मयकारी वैभव के साथ साथ अपार दैन्य और दुख है, भारी कोलाहल के साथ साथ नीरव प्रशांति, क्रूरता के साथ साथ करुणा और निबिड़ अज्ञानांधकार के साथ साथ अमल प्रज्ञा है। भारत विरोधाभासों का देश है। अपने जेलर के कंधे पर बच्चों की तरह रोता कैदी और कहां देखने को मिलेगा। लेकिन ये विरोधाभास मात्र नहीं, ये तो भारतीय जीवन गाथा की एक नितांत पृथक झांकी है। मैं 1988 में तिहाड़ आया। मुझे इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर चार किलो हीरोइन के साथ पकड़ा गया था। मुझे यहाँ NDPS जुर्म में रखा गया है। मुझ पर हशीश रखने का आरोप था। ट्रिपल मर्डर केस अहमदाबाद में हुआ था 1983 में। उस केस में मुझे पहले फांसी की सजा हुई थी, उसके बाद में यानी हाई कोर्ट में लाइफ सेंटेंस की सजा हुई। मैं भारतीय जेल में क्या कर रहा हूँ? सजा काट रहा हूँ। नहीं, दरअसल आजकल मैं विपश्यना कर रहा हूँ। हम सब कैदी हैं और सजा है उम्र कैद की। अपनी ही कामनाओं के कैदी, अपने क्रोध, त्रास, तृष्णा के बंधक अब पैरोल की तलाश में हैं। ऐसा कौन है जिसने कभी न कभी किसी दूसरे की कोई चीज हड़पने की कामना न की हो? ऐसा कौन है जिसमें अपना बुरा करने वाले के प्रति बदले की भावना एक बार भी न जगी हो? वैसे देखें तो सलाखों के पीछे रहते इन लोगों में और हम में कोई बहुत अंतर नहीं। वही बातें जो हम सिर्फ सोच कर छोड़ देते हैं, इनके अंदर सोच के परे कर्म का रूप धारण करके अपराध बन जाती हैं। फिर भी हम एक जैसे ही हैं। मानस की गहराई में हम सभी संभावित अपराधी हैं। ये तिहाड़ है, दुनिया की विशाल जेलों में से एक। 10,000 लोग यहां कैद हैं, 9,000 तो अभी सुनवाई का इंतजार कर रहे हैं। भारत में इंसाफ का चक्का बहुत धीमी गति से चलता है, जैसे कोई भारी बोझ से लदा ट्रक। हो सकता है किसी पॉकेटमार को 1 साल की सजा काटने के लिए 6 साल जेल में ही इंतजार करना पड़े। हो सकता है कि शायद और 2 हफ्ते लगे, 2 साल, 3 या 4 साल भी लग सकते हैं। इन्हें क्या जल्दी है? नई दिल्ली की एक उपनगरी में बसी हुई तिहाड़ भारत की सबसे बदनाम, सबसे सुरक्षित जेलों में से एक है। बहुत ज्यादा कैदी होने की वजह से उसे 5 हिस्सों में बांटा गया है। दशकों से गैर इंसानी गतिविधियों की वजह से तिहाड़ बहुत बदनाम थी, एक जिंदा नर्क थी। No.
हिंसा, भ्रष्टाचार, नशाखोरी ये तो सभी जेलों में है, लेकिन तिहाड़ की भीड़ और यहाँ के जुल्म ने इस मसले को खौफनाक हद तक पहुँचा दिया था। बहुत ही खौफनाक जगह थी ये, बहुत जुल्म था यहाँ, बहुत मारपीट, गुंडागर्दी, दादागिरी, लूट खसोट, समस्याएं ही समस्याएं थी यहाँ। 1000 अपराधी और 9000 कैदी साथ रहने की वजह से सत्ता सोपान की एक विस्फोटक हालत पैदा हो गई थी, जिनकी सुनवाई अब तक नहीं हुई। उनकी इतनी बड़ी संख्या होते हुए भी उन पर कुछ चंद लोगों की हुकूमत थी। उनका रास्ता मारपीट और लूट खसोट का है। किसी को पकड़ो, पिटाई करो और खौफ पैदा कर दो। बहुत से लोग थोड़े बहुत रुपयों के चक्कर में आ ही जाते हैं, पर ये इनकी असली सूरत नहीं है। उनके लिए ये दादागिरी चलाने, अपनी मर्दानगी दिखाने, हीरो और शक्तिमान बनने की बात है। अपना सिक्का जमाने के लिए कुछ भी करो, मारो, डराओ और धमकाओ, पर ये जेल है, यहाँ कठोर अनुशासन है। इसके लिए लाठी का प्रयोग जरूरी हो जाता है। मैंने यहाँ पहली बार आते ही यह जान लिया, लेकिन उसकी भी एक सीमा है जिसे तोड़ने से परेशानियां होती हैं। जेल कर्मचारियों से यह कहा जाता है कि कैदी बस दंड, दमन और कठोर सजा के लायक हैं। उनके मुताबिक यदि मुजरिमों को पीड़ा दी गई, सताया गया, तो इस नर्क के खौफ से बाहर जाने पर कभी दोबारा गुनाह नहीं करेंगे। पर वो गलत थे। तिहाड़ के अपराधी और बड़े अपराधी बन गए। मैं 13 महीनों से यहां हूं। मैं कुछ हेरोइन लेकर काठमांडू से नई दिल्ली होते हुए टोरंटो की यात्रा कर रहा था। दिल्ली में तलाशी हुई और मुझे पकड़कर यहां लाया गया। डेविड तिहाड़ का एक विदेशी कैदी है। तिहाड़ में हर कोई कानून जानता है, हर कोई हिंदुस्तानी दावपेच बखूबी जानता है। यहाँ अक्सर ऐसा होता है कि कोई यहाँ 6-7 साल भले ही बंद रहा हो, आपको बाहर निकलने का पक्का रास्ता दिखा सकता है। इस तरह के माहौल में तिहाड़ के सुधरने का ख्याल तक मुश्किल था, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ। मई 1993, जेल में एक नए इंस्पेक्टर जनरल की नियुक्ति हुई। इस नए आईजी का नाम था किरण बेदी, जिनकी प्रसिद्धि और दूरदर्शी स्वभाव दोनों उनके कद से कहीं ज्यादा बड़े थे। भारत की प्रथम महिला पुलिस ऑफिसर होते हुए बेदी ने बेझिझक नए तरीके अपनाने की वजह से हमेशा वाद विवादों को छेड़ा है। किरण जी एक तेजस्वी, निष्ठावान महिला हैं, जिनमें उच्च नैतिकता तथा उच्च आकांक्षा हैं। उन्हें सब कुछ हासिल है, टेनिस स्टार से लेकर एक सुख्यात पुलिस ऑफिसर तक का रुतबा, जिसने बड़े बड़े नामी गरामी हस्तियों की गाड़ियों को उठवा दिया। तभी तो उनका नाम पड़ा, क्रेन बेदी। मुझे अब भी साफ याद है वो दिन जब उन्होंने ऑफिस संभाला। हमारी 1.5 घंटे की मीटिंग हुई। इस मीटिंग में उन्होंने साफ साफ हमें एक बात बता दी कि वो जो अंदर हैं उनमें और हम ऑफिसरों में कोई फर्क नहीं है। हमने भी जिंदगी में गलतियां की हैं, पर खुदा का शुक्र है कि हम बाहर हैं और वो अंदर हैं। शुरू में ही किरण ने अपने कर्मचारियों को बता दिया था कि वो तिहाड़ को एक आत्म सुधार शाला, एक आश्रम बनाना चाहती हैं। मैं उनके साथ अपने आदर्श बांटने लगी, कैसी होनी चाहिए जेल। अपनी मीटिंगों में यही बताती, हमें टीम बनकर काम करना होगा, एक परिवार की तरह। हमेशा उनसे पूछती कि उनकी इस पदवी, इस नौकरी की प्राथमिकताएं क्या हैं। क्या वो यहाँ वॉचमैन की तरह है या इससे ऊंचा भी कोई लक्ष्य है? जब से उन्होंने ऑफिस संभाला है, पूछो मत कितना परिवर्तन हुआ है। वो समस्याएं सुलझाना बखूबी जानती हैं। अगर आप समस्या सुलझा नहीं सकते तो खुद ही समस्या बन गए ना। हमने बहुत स्नेह और प्यार से काम किया है, ढेर सारा प्यार दिया है, किताबें, कैंटीन, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा, कपड़े, रेडियो, बाहर वालों से मिलना जुलना, क्या कुछ नहीं दिया। पहले हमारे साथ ऐसा व्यवहार होता था जैसे समझ में नहीं आता क्या कहूँ, शब्दों में बयां नहीं हो सकता। किरण ने हमें सिखाया कि हम इंसान हैं, इसलिए हमारे साथ मानवतापूर्ण व्यवहार ही होना चाहिए। मैं उनके साथ बैठती हूँ, बातें करती हूँ, पढ़ती हूँ, गाती हूँ, यहाँ तक कि नाचती भी हूँ।
ताकि ये जितना हो सके नॉर्मल महसूस करें। ये सब क्यों? क्योंकि यहाँ से छूटकर उनको फिर एक नॉर्मल समाज में लौटना है। तो फिर उन्हें यहाँ बांध कर रखूं और ये आशा करूं कि बाहर जाते वक्त वो नॉर्मल हो जाए? मैं चाहती हूँ कि उन्हें एक आम इंसान की तरह ही नहीं, हो सके तो उससे बेहतर इंसान के रूप में बाहर भेजूं। अक्सर ये माना जाता है कि मुजरिम सजा का हकदार है। चलो मान लिया कि गुनहगार को सजा मिलनी ही चाहिए, लेकिन सजा के बाद क्या? पूरी जिंदगी तो वो जेल में नहीं रहेंगे ना, और छूटने से पहले अगर उनको सुधारा नहीं गया तो समाज में लौटने के बाद भी ऐसे ही काम करेंगे। तिहाड़ का वातावरण वैसे तो काफी सुधर गया था, लेकिन किरण जानती थी कि भौतिक सुधारों का असर ऊपरी ऊपरी होता है। उन्हें तलाश थी गहरी अंदरूनी बदलाव की। इंसान के मानस को खुराक तो चाहिए ना, उसे चाहिए रचनात्मक विचार, उसे चाहिए उच्च शैली का ज्ञान। और क्यों ना हो, मेरा मानस भी यही चाहता है। बहुत से लोगों को ये पता ही नहीं कि बदलें कैसे। उन्होंने कहा हम बदलना चाहते हैं, पर कैसे ये पता ही नहीं था। इन्हें अपनी समस्याएं सुलझाना नहीं आता था, और मैं इन्हें कैसे सुलझाना सिखाती? क्या करती? मेरी हालत एकदम जलबिन मछली जैसी थी। कहाँ जाती उस जादू की तलाश में? कौन आएगा इस जेल में सलाह परामर्श के लिए? कौन देगा वो चैतसिक आहार? कौन? मैं बेसब्री से जवाब ढूंढ रही थी और मुझे जवाब मिल गया। जवाब अप्रत्याशित रूप से जेल के भीतर से ही मिला। एक सुबह किरण रोज की तरह अपने दौरे पर थी। एक नौजवान जेलर ऑफिसर उनके पास आया और उन्हें एक पुरातन विद्या के बारे में बताया जिसका नाम था विपश्यना। मेरा जेल में दौरा चल रहा था, तभी राजेंद्र कुमार नाम के एक ऑफिसर ने मुझसे आकर कहा, आपके सवाल का जवाब है मेरे पास। एक साधना है जो सबको बदल देती है। मैं खुद भी विपश्यना साधना करता हूँ और इसने मुझे बिल्कुल ही बदल दिया है। उन्होंने कहा मैं बहुत गुस्सैल आदमी था, मेरा बर्ताव सबके साथ बहुत बुरा था, लेकिन मैं विपश्यना में गया तो कितना बदल गया। मैडम विश्वास न हो तो मेरे घर वालों और दूसरे ऑफिसर से पूछिए। अगर आप ये जेल में शुरू करवाएं तो सभी कैदियों का भला होगा, उन सबका दुख दूर होगा। उन्होंने मुझसे तुरंत कहा मुझे उनका पता बताओ। तो उन्होंने मुझे राम सिंह जी का पता दिया और मैंने तुरंत ही उन्हें खत लिखा और तिहाड़ आमंत्रित किया। उस वक्त मैं विपश्यना का अर्थ भी नहीं जानती थी। किरण ये भी नहीं जानती थी कि इस साधना को अन्य भारतीय जेलों में पहले भी आजमाया गया था। विपश्यना एक सत्य विशोधन की यात्रा है जो बंद आंखों से की जाती है। इस यात्रा का उद्देश्य केवल यात्री की उत्सुकता शांत करना नहीं, बल्कि इससे गुजरकर परिवर्तित होकर एक बेहतर जीवन जीना है। विपश्यना का मतलब है विशेष रूप से देखना, यथाभूत सत्य को उसके वास्तविक रूप में जैसे है वैसे देखना। ये एक पुरातन साधना विधि है जिसे सिद्धार्थ गौतम ने, जिन्हें हम आज बुद्ध के नाम से जानते हैं, 2500 वर्ष पहले ढूंढ निकाला। इस विद्या के द्वारा हत्यारों के संत बनने और क्रूर प्रजा पीड़कों के आदर्श शासक बन जाने की बुद्ध के समय की अद्भुत कहानियां मौजूद हैं। समय बीतता गया, सभ्यताओं का उत्थान पतन हुआ, पीढ़ियां आईं और लुप्त हो गईं, किंतु दक्षिण एशिया में विपश्यना को यत्नपूर्वक सुरक्षित रखा गया और पीढ़ी दर पीढ़ी बढ़ाया गया। आज ये विद्या सिखाते हैं श्री सत्यनारायण गोयंका जी, एक भारतीय जो बर्मा देश में जन्मे पले बढ़े। गोयंका जी ने ये साधना अपने बर्मी आचार्य श्री सयाजी उबाखिन से सीखी थी। 1969 में गोयंका जी भारत आए और उन्होंने विपश्यना सिखाना शुरू किया। कुछ ही साल बाद प्रख्यात भारतीय संत श्री विनोबा भावे ने उन्हें बच्चों और कठोर अपराधियों को विपश्यना सिखाने की चुनौती दी। मैंने कहा भाई, मैं तो यहाँ विपश्यना द्वारा लोगों की सेवा करने के लिए आया हूँ, आप आयोजन करें तो मैं बच्चों का शिविर भी लगा दूं, जेल में कैदियों का शिविर भी लगा दूं। विनोबा जी ने बच्चों के शिविर का आयोजन किया जो बहुत सफल हुआ।
लेकिन जेल का शिविर नहीं लगवा सके क्योंकि जेल के नियमों के अनुसार मैं साधकों के साथ जेल में भीतर नहीं रह सकता, इसलिए शिविर नहीं लगा। लेकिन उसके बाद जयपुर में सरकार ने छूट दी और वहां शिविर लगा, जो बड़ा महत्वपूर्ण साबित हुआ। 1975 में जयपुर जेल में पहली बार कैदियों ने विपश्यना सीखी। गोयंका जी ने फिर से कुछ और छूट की मांग की, जिन्हें पूरा करने के लिए जेल अधिकारियों ने भरसक प्रयत्न किया। कोर्स शुरू होने से पहले कुछ लोगों को हथकड़ी बेड़ी में लाया गया, तो गोयंका जी ने पूछा, अरे ये क्या है? मैंने कहा ये बहुत कठोर अपराधी हैं, बहुत ही खतरनाक हैं, और हम चाहते हैं कि ये भी 10 दिन के शिविर में बैठे। पर उन्होंने कहा, लेकिन ये जंजीर में क्यों बंधे हैं? क्योंकि ये खतरनाक है। उन्होंने कहा, नहीं, जब तक ये जंजीर में बंद है मैं उन्हें धर्म नहीं दे सकता, निकालिए जंजीर। अब ये तो बड़ी कठिन बात थी क्योंकि आईजी और सुपरिंटेंडेंट को ये मंजूर नहीं था। आईजी ने कहा कि हो सकता है उनमें से कोई एक उठकर होम सेक्रेटरी होने की वजह से आपका या फिर गोयंका जी का गला घोंट दे और उसका बड़ा नाम हो जाए, क्योंकि वैसे भी तो ये मरने वाले हैं, या तो फांसी या ऐसी कोई खौफनाक सजा। फिर भी हमने थोड़ा खतरा मोल लिया और ये तय किया कि नज़दीकी गार्ड को रखा जाए, और अगर इनमें से कोई भी हमारी ओर कदम बढ़ाए और खतरा पैदा करे तो उसे तुरंत गोली मार दी जाए। सौभाग्य से कोई गोली नहीं चली। जयपुर जेल शिविर का शांतिपूर्ण समापन हुआ। उसकी कामयाबी के साथ और जेलों में भी शिविर लगने लगे। उनमें से एक था बड़ौदा जेल। वहां के सुपरिंटेंडेंट श्री वोरा अपने कैदियों पर विपश्यना का असर देखकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने स्वयं शिविर करने का निर्णय लिया। उसके पश्चात उन्होंने बड़ौदा जेल में 5 और शिविर लगाए। कैदियों के बीच और स्टाफ के बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वह भी अच्छे तरह से चल रहा है। कैदियों को अपने फैमिली के साथ का जो व्यवहार है वह भी अच्छी तरह से चल रहा है। कैदियों में जो रिवेंज लेने की जो भावना है कि मैं यहाँ से छूट और बाद में उनको मार डालो, ऐसा कर डालो, ये सब उनमें से निकल गए। बाबू भाई ने एक गैंग फाइट के दौरान 5 मिनटों में 3 लोगों की हत्या की थी। और जो मेरी खिलाफ पार्टी थी, जिनके लिए मुझे नफरत थी, बदले की भावना थी, विपश्यना साधना से इतना परिवर्तन आया कि उनके लिए मुझे एक तरह की हमदर्दी जागी, अपने किए पे पछतावा हुआ। एक शिविर करने के बाद उन्होंने हत्या किए जाने वाले परिवार से संपर्क किया और उनसे माफ़ी मांगी। यानी समाधान कॉम्प्रोमाइज़ के लिए वह तैयार भी हुए, और 92 में रक्षाबंधन के दिन यहाँ पे आके उन्होंने मुझे, दोनों बहनों ने काफ़ी खेल दुली पूर्वक स्वखुशी से आके उन्होंने राखी बांधी, और एक भाई बहन का पवित्र नाता उन्होंने यानी जोड़ा है, और आज भी मैं उनकी फैमिली को पूरा अच्छी तरह अपनी फैमिली की तरह ही संभाल रहा हूँ। क्षमा देना और क्षमा अपना, ये दोनों बहुत मुश्किल काम है। जिसका हस्बैंड मार डाला है, जिसका भाई मार डाला है, उनके हाथ में, उनके मुंह में राखी बनना, उनके मुंह में कुछ स्वीट डालना, हिम्मत वाली बात। विपश्यना का शिविर 10 दिन का होता है। साधक साधिकाएं आर्य मौन का पालन करते हुए सुबह पौ फटने से लेकर रात 9 बजे तक साधना करते हैं। 10 दिनों के लिए वे एक मूलभूत अनुशासन संहिता का पालन करते हैं। हत्या, चोरी, झूठ, व्यभिचार और नशे पते से वो दूर रहते हैं। इस शील पालन के बिना मन इतना चंचल रहता है कि भीतर की सच्चाई की खोज हो ही नहीं सकती। शरीर और मन के द्वारा कोई भी बुरा काम करें तो पहले मन में विकार जगाने होते हैं। किसी की हत्या करें तो मन में द्वेष जागता है, दुर्भावना जागती है। चोरी करें तो मन में लालच जागता है। और जब जब ऐसा कोई विकार भीतर जागता है तो व्याकुल हो जाते हो। ये प्रकृति का नियम है। जब भी तुमने कोई गलत काम किया उसकी सजा तुम्हें तुरंत ही मिलती है। क्यों? क्योंकि अब तुम दोषी हो। तुमने एक झूठ बोला और उसे छिपाने के लिए 1000 झूठ बोलोगे। तुमने चोरी की और तुम्हें डर है कि तुम पकड़े जाओगे। बस यही पकड़े जाने का भय, डर, संदेह, यही तो है कुदरत की असली सजा। इधर तिहाड़ में किरण ने विपश्यना के शिविर की तैयारियां शुरू कर दी।
किरण जी ने पूछा कि शिविर का आयोजन संभव है या नहीं। हमने कहा क्यों नहीं, जरूर। तो वहां भी वही परेशानियां सामने आई। मैंने कहा कि भाई सबसे पहली शर्त तो यही है कि जेल के कुछ बड़े अधिकारी पहले बैठे, तो ही हम इसे करेंगे। जब तक जेल के रखवाले नहीं सुधरते, जेल के कैदी क्या सुधरेंगे। तुम्हारी इन अफसरों की छानबीन और कड़ी होनी चाहिए। नए तरीकों के प्रयोग से किरण कभी डरती नहीं है। उन्होंने अपने स्टाफ के कुछ अकड़ू और गुस्सैल अफसरों को जेल के बाहर विपश्यना शिविर में भेजा। जब वो लौटे तो कर्मचारियों एवं कैदियों ने सभी ने उन्हें अधिक शांत और बेहतर पाया। ऐसा कई बार होता था, कुछ एक अफसर पकड़े गए कोई गलत काम करते हुए, बीड़ी सिगरेट कैदियों तक पहुंचाते हुए, उनको पैसे मिल जाते थे इससे, तो इससे अच्छी आमदनी हो जाती है। किरण जी निकाल देने वाली थी इनको, लेकिन फिर बाद में सोचा कि एक और मौका दिया जाए, तो उन्हें बुलाकर कहा, अगर तुम्हें यहाँ काम करते रहना है तो ये और ये करना होगा और एक 10 दिन का शिविर करना होगा। जो कुछ भी तुम करो उसका फल तो भुगतना ही पड़ेगा। मेरे जीवन में तो ये तत्काल तुरंत होता है। मैंने जब भी कुछ गलत किया, कुदरत ने तुरंत चांटा मारा। मैं युद्ध का कैदी बना। मेरा परिवार अब तक ये नहीं जानता कि मैं कहाँ हूँ। मेरी माँ सोचती है कि मैं भारत में हूँ, लेकिन मैं उसे परेशान नहीं करना चाहता था, तो मैंने उसे कह दिया कि मैं विपश्यना कर रहा हूँ। और ये सच ही तो है। तिहाड़ जेल का पहला विपश्यना शिविर नवंबर 1993 में लगा, जिसमें 100 से अधिक कैदियों के साथ कुछ जेल कर्मचारी भी शामिल हुए। उन्होंने किसी पर जोर नहीं दिया, बस अपने आप देख लो, अच्छा लगे तो ठीक, ना अच्छा लगे तो ठीक, लेकिन प्लीज जाकर देखो तो सही। वो सबको पूछ रहे थे जिनको विपश्यना या ध्यान में कोई रुचि हो, और जब नजदीक के एक वार्ड में शिविर लगा तो मैं भी चला गया। सबसे पहले साधक को अपने सहज स्वाभाविक सांस के आवागमन पर ध्यान केंद्रित करने के लिए कहा जाता है। जैसे सांस आ रहा है तो आ रहा है, जा रहा है तो जा रहा है। जितनी देर तक हो सके उतनी देर तक ये सजगता बनाए रखनी है। सुनने में तो आसान है, पर करना उतना ही कठिन। इसे तुम टाल ही नहीं सकते। कुछ देर मन टिक जाता है, लेकिन कुछ देर बाद पता ही नहीं चलता कि कब वो भटक गया। और फिर कुछ देर बाद तुम कहोगे, अरे तुम्हें तो यहाँ काम में लगाया गया था ना, ध्यान में, तो फिर मन लग जाता है। और कुछ ही क्षणों में फिर भटक गया, जो घर में कर रहे थे उस पर मन चला गया, और फिर अरे अरे साधना करो। जब हम मौन साधते हुए स्थिर बैठते हैं तो मन में विचारों का प्रवाह बहने लगता है, यादों का, उम्मीदों का, आशंकाओं का एक सैलाब सा उमड़ता है। तीन दिनों के परिश्रम के बाद मन शांत होने लगता है, विचार दुर्बल होने लगते हैं, जैसे कि बिखरते हुए बादल। नासिका के नीचे होंठ के ऊपर वाले इस छोटे से हिस्से पर इतनी लंबी देर तक मन टिकाने की वजह से मन इतना तीक्ष्ण होने लगता है कि सूक्ष्म से सूक्ष्म सांस को भी महसूस कर लेता है। फिर यहाँ कई एहसास उत्पन्न होते हैं, जैसे धड़कन, फड़कन, खुजलाहट, गर्मी, दबाव और अन्य नैसर्गिक शारीरिक संवेदनाएं, जिन्हें हमने पहले कभी इतने स्पष्ट रूप में महसूस नहीं किया। तभी कोई जाकर विपश्यना करने के योग्य बनता है। विपश्यना का एक ही लक्ष्य है, अंतर्मुखी होना, और अंतर्मुखी होने के बाद जब सब कुछ शांत है और हम स्वयं शांत हैं, तो अपने अंतर्मन से परिचय होता है और शरीर में संवेदनाएं महसूस होने लगती हैं।
शरीर में उत्पन्न होने वाली संवेदनाओं को प्रतिक्रिया बिना तटस्थ भाव से जानना ही विपश्यना साधना है। जब भी कोई शब्द, रूप, रस, गंध इत्यादि का शरीर के साथ स्पर्श होता है, वहीं तुरंत संवेदना उत्पन्न होती है। इस साधना विधि में शारीरिक संवेदनाओं को ही महत्व दिया जाता है, क्योंकि ये चित्त और शरीर को जोड़ने वाली वो कड़ी है जिससे मानव स्वभाव को समझा जा सकता है। विपश्यना द्वारा हमें समझ में आता है कि हमारी मानसिकता व्यसन, विकार, सुख, दुख इत्यादि बाहरी दुनिया की वजह से नहीं है। बाहरी घटनाएं तो सिर्फ हमें संवेदनाएं देती हैं, और इन संवेदनाओं के प्रति राग और द्वेष की हमारी प्रतिक्रिया ही हमारे कर्म और मनोवृत्ति की जिम्मेदार है। शिविर के चौथे दिन विपश्यना सिखाई जाती है। साधकों को शरीर पर होने वाली संवेदनाओं का, चाहे वे जैसी भी हों, उनका तटस्थ भाव से बिना प्रतिक्रिया किए यथाभूत दर्शन करना सिखाया जाता है। साधक स्वयं अनुभव करते हैं कैसे ये भय उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, कैसे दुख भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, सुख भी उत्पन्न होता है, नष्ट होता है, और वो केवल बुद्धि के स्तर पर ही नहीं, अनुभव के स्तर पर एहसास करते हैं कि कुछ भी नित्य शाश्वत नहीं है। नफरत, वासना, लोभ अब ये निराकार नहीं रहे। इन भावों के साथ जुड़ी हुई संवेदनाओं को देखकर, उनके अनित्य स्वभाव को समझकर, मन के प्रतिक्रिया करने वाले स्वभाव को वास्तव में बदला जा सकता है। प्रतिक्रिया और दमन, इन दो अतियों के अलावा एक तीसरा उपाय है, दर्शन, और केवल दर्शन। पहले ही कोर्स में इतना कुछ पा लिया कि उससे मन प्रसन्न हो गया। अब मैं सत्य को जैसे है वैसे देख सकता हूँ। कई सवालों के बहुत सारे जवाब मिल जाते हैं इसमें से। हम ही हैं जो जिम्मेदार हैं चलने के सही रास्ते पर, और हम ही हैं जो चलते हैं गलत रास्ते पर। अंतर मन में खुशी की एक लहर है। शिविर के बाद तो पीछे मुड़कर देखने का सवाल ही नहीं था। हमने भी चैन की सांस ली कि अरे वाह, हमें उपाय मिल गया, हमें रास्ता मिल गया, हमें इन लोगों को दिखाने के लिए दिशा मिल गई, फिर पीछे क्यों मुड़े। तिहाड़ के इस पहले शिविर के बाद 5 और शिविर लगे, जिससे किरण की आकांक्षाएं और बढ़ गईं। हम और लालची हो गए, हम और अधीर हो गए। सिर्फ 50-60 क्यों, जबकि मेरे पास 10,000 लोग हैं। क्यों ना हम इस शिविर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं, जिससे बहुत बड़ा गहरा असर हो और बहुत लोग इसका फायदा उठा सकें। मुझसे पूछा गया, क्या 1,000 से भी ज्यादा लोग ये कर सकते हैं? मैंने कहा जरूर, क्यों नहीं, पक्की बात है। मैंने कहा हाँ। भारतीय जेलों का यह सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट था, और यही नहीं, इस नए युग में इससे बड़े शिविर का आयोजन हुआ ही नहीं था। और कुछ हफ्तों में जेल के भीतर ही एक खास जगह तैयार की गई। 1,000 कैदियों के साथ गोयंका जी और उनके सहायक आचार्यों को रखना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। कोई यकीन ही नहीं कर सकता था कि 1,000 कैदियों को एक ही जगह बिना जंजीरों के रखा जा सकता है, क्योंकि इससे सुरक्षा को एक बहुत बड़ा खतरा था। ये मेरे से विपश्यना पूछ रहे थे, मैंने कहा मैं कौन हूं बताने। विपश्यना विद्या जो कि आप यहाँ शुरू कर रहे हैं, एक एक्सपेरिमेंट, इससे आप कैसे, क्या लगता है कि यहाँ क्या बदलाव आ सकेगा? ये एक्सपेरिमेंट नहीं कर रहे, एक्सपेरिमेंट तो हो चुके, यहाँ भी अच्छे उसके परिणाम आए हैं। परिणाम आते हैं तो लोग बैठेंगे नहीं, क्यों बैठेंगे? 10 दिन तक किसी को कहना तुम मौन रहो, बिल्कुल नहीं बोलना, घबरा जाएंगे नहीं बेचारे, उनको कुछ मिलेगा तो बैठे, और मिलता है खूब, मिलता है खूब, तपना है, तपोगे ना? हाँ जी, बहुत सुख से होता है। वो संत होने का कोई दिखावा नहीं करते, वो तो बस एक सीधे साधे विनम्र आचार्य हैं, वो तो बदले में कुछ चाहते भी नहीं। इन कैदियों के लिए उन्होंने कितना कुछ किया है, वो 11 दिन जेल में रहे हैं, वो और उनकी पत्नी दोनों, और ये कोई आरामदायक रिहाइश नहीं है। च,
4 अप्रैल की शाम 1000 कैदी उस बड़े से टेंट में इकट्ठे हुए। मानव समाज की विविध जाति, उपजाति, रंग, वर्ण का सम्मेलन, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारतीय, विदेशी, सब तरह के लोग उपस्थित थे। ये बहुत आवश्यक है कि आप मौन रहें, आर्य मौन का पालन करें। इसका मतलब ये नहीं कि आपके मुंह पर ताला लगा दिया जाएगा। जरूरत पड़ने पर आप अपने आचार्यों एवं मार्गदर्शकों से बेशक बातें करें, उस पर कोई नियंत्रण नहीं है। दूसरे दिन प्रातःकाल प्रचंड वर्षा हुई और तूफान आया। उस सूखे मौसम में ऐसा होना एक असाधारण बात थी। पूरा का पूरा टेंट ढह गया। जितने भी आसन और दरियां थीं, सब के सब भीग गए। सुबह 3:30 बजे एक इमरजेंसी मीटिंग बुलवाई गई इस ख्याल से कि शिविर रद्द किया जाए, लेकिन फिर सब ने मिलकर यह तय किया कि किसी भी कीमत पर इसे जारी रखा जाए। तूफान के थमते ही एक बहुत बड़ी बचाव योजना चलाई गई, तो दूसरी ओर कैदियों ने अपनी साधना अपने अपने बैरक्स में जारी रखी। शाम तक टेंट फिर से उठ खड़ा हुआ और शिविर का कार्यक्रम योजनानुसार आगे चल पड़ा। नौ दिन बाद इसमें कोई संदेह नहीं था कि यह हमारी एक अद्भुत उपलब्धि थी। इससे लोग सचमुच बदल गए। मेरे कैदी फूट फूट कर रोए। उन्होंने खूब क्रंदन किया, विलाप किया। उन्हें एहसास हुआ जिंदगी क्या हो सकती है। उन्होंने भीतर देखा और अपने अंदर उन्होंने देखी नफरत की भावना, बदले की और क्रोध की भावना। वो अपमान, वो दुख जो उन्होंने माँ बाप और समाज को पहुँचाया था, वो रो पड़े। उन्हें खुद को बदलना था। मुझे पश्चाताप हुआ कि मैंने गलत काम किया। मैंने ये गलत काम किया है और मैंने जो किया है वो ऐसा है कि मैं उसमें से निकलकर उसे सुधार सकता हूँ। बस यही एहसास सबसे बड़ा जादू था। मुझे इसी की तो तलाश थी। यही तो एक जरिया था जिससे हम मनवाएं कि उन्होंने समाज की हानि की है। वो हमेशा से कहते आए हैं हम निर्दोष हैं, निर्दोष हैं। हमने कभी समाज की हानि नहीं की, समाज ने ही हमें बर्बाद किया है। पर कैसे समझाए कि उन्होंने भी समाज की हानि की है। बस इसीलिए कुदरत का कानून न्याय कर रहा है और तुम्हें उसकी सजा मिल रही है। उन्होंने विपश्यना द्वारा ही ये सीखा। मुझे कुछ कहने की जरूरत ही नहीं पड़ी। वो खुद माइक पर गए और कहा हमने समाज की हानि की है और क्षमा चाहते हैं। बस यही तो सबसे बड़ा जादू था। जब शिविर खत्म हुआ तो 1200 साधकों और अंतर्राष्ट्रीय मेहमानों के बीच जेलों के सर्वप्रथम विपश्यना साधना केंद्र का यहाँ उद्घाटन हुआ। और 3 ही हफ्तों में यहां महीने में 2-2 शिविर लगने लगे। चमत्कार की उम्मीद मत रखो, समय तो लगेगा ही ना। ऐसा नहीं कि एकाएक एक अपराधी संत में परिवर्तित हो जाता है। हाँ, परिवर्तन की शुरुआत जरूर होती है। और फिर जेल का माहौल भी कितना बुरा है, एक ही शिविर में तो बदलाव नहीं आ सकता है ना। तो जब तक इस माहौल में परिवर्तन न लाया जाए और उचित कदम न उठाए जाए, उनकी साधना के लिए सुविधाएं न उपलब्ध करवाई जाए, तब तक सही मायने में परिवर्तन कैसे होगा। इस प्रणाली में विपश्यना दुनिया भर में एक ही तरह से सिखाई जाती है। वही नियम, वही समय सारणी, वही निर्देश। शिविर के दरमियान सेवा देने वाले लोग स्वयं भी विपश्यी साधक होते हैं जो सद्भाव से बिना वेतन के सेवा देते हैं। गोयंका जी द्वारा नियुक्त किए गए सहायक आचार्य 10 दिन तक शिविर स्थल पर रहते हैं और स्वैच्छिक रूप से शिविर का संचालन करते हैं। कुछ भी अकस्मात नहीं होता। मैं आया, मैं पकड़ा गया, यहाँ लाया गया। सबके पीछे एक कारण है। क्या जरूरत थी कि मैं पकड़ा जाता कनाडा जाते हुए। मैं कनाडा या कहीं और भी जाता और मेरे जीवन में ये जो भी हुआ सबकी एक वजह है। कुछ विपश्यना शिविरों के बाद डेविड ने विपश्यना वार्ड में स्वयं सेवा देने के लिए तबादला मांग लिया। जब मैं पहले यहाँ आया तो मैंने सोचा विपश्यना यहाँ क्या जरूरत। मेरे इस प्रश्न में ही तो उत्तर है
क्योंकि यहाँ इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ये तो एक ऐतिहासिक बात है। पहली दफा किसी जेल के अनुशासन में जन सुधार के लिए विपश्यना का इस्तेमाल किया गया है, और अगर ये यहाँ कामयाब होता है तो फिर विपश्यना से दुनिया की हर जेल में सुधार आ सकता है, जैसा कि यहाँ होता है। अगर मैंने इसके पेट में गुदगुदी की तो ये मुझ पे झपटेगी। हाँ देखा। देखो, मैं दूसरों के लिए केवल इतना कर सकता हूँ कि उनके लिए एक आदर्श उदाहरण बन जाऊँ, फिर वो शायद अपने आप को सुधारने के लिए थोड़ी बहुत मेहनत करेंगे। डेविड जी, ये एक दिवसीय शिविर इस तारीख को है ना? जी, चार शिविर है। सुनो, 26 को जेल नंबर 4 और 27 को 1, 2 और 3 को इकट्ठा कर रही हूँ, तो प्लीज टीचर से कह देना कि हमें उनकी जरूरत होगी 9 बजे। ओके डेविड। विपश्यना के नाम पर मैं किसी के लिए कुछ नहीं कर सकता, सबको अपने आप ही चलना पड़ता है। देखो, हम तभी किसी की मदद कर सकते हैं जब वो खुद चाहे, और अगर विपश्यना उन तक पहुंचती है वो इसलिए ताकि वो खुद अंतर्मुखी होकर खुद की मदद कर सके। महीने में 2 बार तिहाड़ के भिन्न भिन्न वार्डों से कैदी विपश्यना वार्ड के शिविर में बैठने के लिए आते हैं। इनमें से कुछ कई बार आ चुके हैं। हर वक्त उनका कार्यक्रम यही होता है, बदलता है तो सिर्फ उनका अनुभव। मैं उन्हें भिक्खू ही कह के पुकारता हूँ, क्योंकि यहाँ आकर वे वही बन जाते हैं। 10 दिनों के लिए वे भिक्षु ही तो हैं। बहुत लोगों को ऐसा लगता है कि 10 दिन यहाँ आए तो कितना आराम, पर ऐसा नहीं है। बहुत कड़ा परिश्रम करना पड़ता है, कोई आसान रास्ता है ही नहीं इसके लिए। और एक बार शिविर में सम्मिलित हुए तो फिर काम तो करना ही पड़ता है। जैसे स्विमिंग पूल में डाल दिया तो फिर तैरना ही पड़ता है, तब नहीं कह सकते कि हाँ हाँ सीखेंगे। एक बार स्विमिंग पूल में फेंका तब तैरना ही पड़ेगा। तो जब इस शिविर में बैठे तो 10 दिन निकालने ही पड़ेंगे। दीवार के एक तरफ है शिविर का शांत वातावरण, तो दूसरी ओर जेल का दैनिक जीवन। तिहाड़ में कैदियों को योग, काउंसलिंग एवं अन्य शैक्षणिक कार्यक्रम उपलब्ध हैं, लेकिन विपश्यना का शिविर इन कार्यक्रमों से एकदम अलग है और कैदियों को हमेशा इस बात का पता नहीं होता। हम जेल में हैं और जेल के अपने नियम हैं। यहाँ विपश्यना है, विपश्यना के अपने नियम हैं, और ऐसा है कि विपश्यना के नियम जेल के नियमों से कहीं ज्यादा कड़े हैं। कुछ ये बात समझते हैं, कुछ नहीं समझते। देखो, जेल के नियम होते हैं, उसमें ज्यादातर यही चलता है कि कैसे इन नियमों को तोड़ मोड़ कर अपनी इच्छा अनुसार चलाएं, और वही रवैया वे यहाँ भी लाते हैं। और मैं कहता हूँ, ना ना, ये जेल नहीं है, वो जेल है, तुम चाहो तो जेल वापस जा सकते हो, लेकिन ये विपश्यना है। कुछ लोग हमसे जलते हैं, ईर्ष्या करते हैं, उनको लगता है कि यहाँ के लोगों को ज्यादा खाना मिलता है जेल के बाकी कैदियों की तुलना में, पर वे ये नहीं समझते कि यहाँ आने वाले लोग उनसे ज्यादा परिश्रम करते हैं। जो लोग किसी भी तरह के अनुशासन के, शिष्टता के आदि हैं, उनके लिए इसमें उतरना थोड़ा सरल हो जाता है। इस बात को समझें कि 10 दिन अनिवार्य है, मेरा मतलब है कि इतना समय तो आवश्यक ही है दीप जलाने के लिए, और कभी कभी ये दिया नहीं जलता, लेकिन एक और प्रयत्न, फिर एक और प्रयत्न, और आखिर में ये दिया जलता है और जीवन को रोशन कर देता है। कोई भी परिवर्तन आसानी से नहीं आता, परिवर्तन होने में समय लगता है, और जैसे मैंने पहले कहा आपसे कि ये बदले की भावना जो मुझ में थी, मेरा गुस्सा, मेरा क्रोध, ये अब शांत हो रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि बस एक कोर्स कर लिया और सब कुछ एकदम से निकल गया, नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, अभी भी निकल रहा है, शांत हो रहा है, शांत हो रहा है। अगर आप पूछें कि मैं यहाँ क्यों हूं, तो मैं कहूंगा
मुझे जो हुआ वो मैंने ही अपने आप को किया और इसीलिए मैं यहां हूं। मैं लोगों पर पहले की तरह विश्वास नहीं रख सकता। कभी मैं उनसे मिलता हूं और वो बहुत बुरा व्यवहार करते हैं मेरे साथ, और मैं सोचता हूं कि अगर मेरे पास हथगोला हो तो बस पिन निकाल दूं, विस्फोट हो जाए और सब नए सिरे से फिर शुरू हो। पर ये विपश्यना ही है जो मुझे लोगों पर अविश्वास करने से दूर रखती है। अब मैं यहाँ हूँ और विपश्यना कर रहा हूँ, जो जीवन जीने का एक तरीका है। जैसे कि आप कैसे बोलते हो लोगों से, कैसे सोचते हो, कैसा बर्ताव है, क्या करते हो औरों के लिए, क्या नहीं करते हो औरों के लिए, तभी इसे कहते हैं जीवन जीने की कला। दसवें दिन सुबह मौन खुलता है। इस खास दिवस पर पता चलता है कि यह कितनी लंबी यात्रा है। साधक एक बार फिर से बहिर्मुखी होते हैं और 10 दिन में पहली बार एक दूसरे के साथ बात करके अपने अनुभव बांट सकते हैं। पहला दिन तो मुझे अजीब सा लगा, तो बड़े लफड़े में आकर पड़ गए, परंतु जब दूसरा दिन हुआ तो इच्छा हुई भाग जाऊं यहाँ से, पर कुछ रास्ता निकला भागने का। फिर मैंने सोचा अगर फंस गए तो क्या करना, इसको देख लो ये क्या चीज है, जिससे इंसान खुद ब खुद अपना दिल और मन को टटोल कर देख सकता है कि मैं किस रास्ते पर जा रहा हूं। मुझे तो बहुत अच्छा मौका मिला यहाँ रहकर। पहले बहुत अफसोस होता था, लेकिन अब कोई अफसोस नहीं है मुझे कि हाँ ऐसा हुआ और मैंने गलती की, क्योंकि अब मैं भविष्य की ओर देखता हूँ, आगे। सच पूछो तो मैं एक बहुत ही रूढ़िवादी मुस्लिम घराने का हूँ। मेरे माता पिता जब प्रार्थना करते थे, और हमेशा मैं बहुत जिज्ञासु था बचपन से, कि आप यहाँ दुआ करते हो और वो व्यक्ति जिससे हमेशा तुम भीख मांगते हो कहाँ है वो, क्या ऊपर है, किसी ने देखा नहीं उसको, और क्यों वो प्रार्थनाएं नहीं सुन सकता, क्यों वो पूर्वाग्रही है। मैं एक ऐसी चीज की तलाश में था जो सार्वजनिन हो, वो जो दूसरों के धर्म की बुराई ना करे ये कहकर कि बस ये हमारा अच्छा और बाकी सब बुरा। सचमुच मैं जो ढूंढ रहा था वो मुझे मिल गया। इतने सालों से जो प्रश्न था उसका समाधान इसमें मिल गया। पहले मुझे अपने आप पर बहुत दया आती थी कि जेल में हूँ, सोचता था कि ऐसा क्यों हुआ और ये सब। मैं इतना कृतज्ञ हूँ कि विपश्यना शिविर यहाँ पर है। बस ये समझ लीजिए कि मैं कैद होने का कृतज्ञ हूँ कि मुझे शिविर में बैठने का मौका मिला। मैं कई बार सोचता हूँ कि घर लौटने पर मेरा अपना बेडरूम है, वहाँ मैं वहीं साधना कर सकता हूँ, मेरे जीवन का ये एक अंग बन सकता है। लेकिन आप जानते ही हैं, पुरानी आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती और फिर से पुरानी लाइफस्टाइल में गिरना आसान होता है। तो यहाँ से छूटने से पहले मैं नहीं जानता कि वो कब होगा, हो सकता है अगले महीने या अगले साल के अंत तक, लेकिन मैं सचमुच ये चाहता हूँ कि शिविर में बैठूँ, उसे पूरा करूं और दूसरे ही दिन निकल जाऊं यहां से। इससे मेरा मानसिक संतुलन बना रहेगा। ये तिहाड़ में आना ये जीवन का एक ऐसा सबक है जिसे मैं कभी नहीं भूल पाऊंगा। लेकिन बहुत समय बीत गया, बस ये खत्म हो जाए और मैं घर लौट सकूं, बस यही चाहता हूं। अंधेरा चारा, तेरा
बहुत गहरा असर हुआ इसका। पहले जेलें स्वीकार नहीं कर रही थी इन शिविरों को, कुछ कर रही थी कुछ नहीं, लेकिन अब भारत सरकार ने एक परिपत्र भेजा है सभी जेलों को कि विपश्यना जेल शिविरों को बढ़ावा दिया जाए, क्योंकि जेलें इसे अपनाने के काबिल थीं, जेल कर्मचारियों को भी स्वीकार्य था, समाज भी इस परिवर्तन के लिए तैयार था कि ऐसा ही हो। इससे हम सभी का विश्वास और प्रबल हुआ कि ये बदलाव जेल में संभव है। जिन लोगों की जेल से रिहाई हुई थी वो वापस नहीं लौट रहे थे, और बाहर के लोगों ने भी उनकी सोच में उनके बर्ताव में परिवर्तन देखा, तो हमें मुड़कर पीछे देखने की जरूरत नहीं रही। ये साधना जो यहाँ सफल हुई है वो दुनिया में हर कहीं सार्थक होगी। पश्चिमी जेल हो या पूर्वी जेल, पश्चिमी इंसान या पूर्वी इंसान, कोई फर्क नहीं है। फर्क होता है जीवन स्तर का, लेकिन वास्तव में हम सभी एक जैसे ही हैं। दुनिया के हर कोने में संस्कृतियाँ अलग अलग होती हैं, परंपराएं अलग होती हैं, लेकिन मनुष्य अलग नहीं है, उसकी मनोवृत्ति अलग नहीं है, सरकारें अलग नहीं हैं। ऐसा लगता है कि भारत सरकार बहुत सख्त है और जेल में यहाँ बहुत बेहाली है, लेकिन यह तो एक तुलना मात्र है। जेल में अगर सारी सुविधाएं उपलब्ध करवा दी जाए, फिर भी इसका मतलब ये नहीं बनता कि जेल अच्छी हो। लोगों का रवैया कैसा है, ये अधिक महत्वपूर्ण है। बड़ौदा जेल के विपश्यना शिविर समापन के वक्त एक खास कार्यक्रम का आयोजन होता है। समाज सेवकों और विपश्यना को प्रोत्साहित करने वाले मेहमानों के साथ जेल सुपरिटेंडेंट, जो कि स्वयं विपश्यी साधक हैं, ध्यान कक्ष के बाहर कैदियों के स्वागत के लिए उपस्थित होते हैं। इस देश में इतने विभिन्न तबकों के लोगों का सम्मिलन और आपसी मेल अकल्पनीय है, लेकिन इस खास दिन पर सभी दीवारें तोड़ दी जाती हैं। मैंने एक बार किरण बेदी से पूछा था, मैडम एक बात बताइए। मैंने उनसे पूछा कि आप क्या मानती हैं, इस दुनिया में कितने लोग ऐसे हैं जो ये मानकर जी रहे हैं कि वो इस दुनिया में केवल अच्छाई करने के लिए जन्मे हैं और यही उनके जीवन का उद्देश्य है, कितने प्रतिशत होंगे? उन्होंने मेरी ओर देखा और शायद हम 20-30 लोग बैठे होंगे वहां, और कहा आप ही तो हो वो प्रतिशत, आप लोग ही तो हो जो इस दुनिया को बना सकते हो एक बेहतर दुनिया। किरण बेदी का तिहाड़ जेल से तबादला हुआ, पर तिहाड़ का विपश्यना केंद्र अभी तक क्रियाशील है। भारत की कई जेलों में और भारत के बाहर अमेरिका, ताइवान और अन्य देशों के जेलों में भी सफल शिविर लगते हैं।
है।